महा हत्थी पदोपमसुत्तं मज्झिम निकाय का 28वां सूत्र। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। महा हत्थी पदोपम सूत्र। महा का अर्थ है बड़ा, हत्थी का अर्थ है हाथी, पद का अर्थ है पांव, उपम का अर्थ है उपमा, सूत्तम भगवान का उपदेश। धर्म का ऐसा उपदेश जिसमें हाथी के पांव की उपमा दी गई हो, और इसी नाम का एक और सूत्र है हत्थी पदोपम, चुल्ल हत्थी पदोपम। तो इस वजह से इसे महा हत्थी पदोपम, बड़ा सूत्र कहा गया। तो क्या कहा गया? एवं मे सुतं, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। एक समय भगवान श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, जेतवन में अनाथ पिंडिक के आश्रम में। तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खु आमन्तेसि। तब सचमुच आयुष्मान सारिपुत्र ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। आवसो भिक्खवेति, आयुष्मान भिक्षुओं, आवसोति खोते भिक्खु आयस्मतो सारिपुत्तस्य पच्चसोसु। मित्र आयुष्मान कहकर सचमुच उन भिक्षुओं ने आयुष्मान सारिपुत्र को प्रत्युत्तर दिया। आयस्मा सारिपुत्तो एतद ओच, आयुष्मान सारिपुत्र ने यह कहा। सेयथापि आवसो यानि कानिचि जंगमानं पाणानं पदजातानि। जैसे कि मित्रों, जितने भी चर प्राणी है हिलने वाले, उनके जो पांव होते हैं, सब्बानि तानि हत्थी पदे समोधानं गच्छन्ति। तो सबके सब हाथी के पांव में समा जाते हैं। हत्थी पदं तेसं अग्गमखायति यदिदं महंतत्तेन। इसलिए हाथी के पांव को ही श्रेष्ठ कहा गया और बड़ा कहा गया सब में। एवमेव खो आवुसो, उसी प्रकार सचमुच मित्रों, एकेची कुशला धम्मा, जितने भी कुशल धर्म है, सब्बे से सब्बे ते चतुषु अरिय सच्चेसु संगहं गच्छन्ति। सबके सब जो है वो चार आर्य सत्यों में समा जाते हैं। कतमे इसु चतुषु, कौन से चार आर्य सत्य? दुखे अरिय सच्चे, दुख समुदये अरिय सच्चे, दुख निरोधे अरिय सच्चे, दुख निरोध गामिनिया पटिपदाय अरिय सच्चे। दुख आर्य सत्य में, दुख समुदय आर्य सत्य में, दुख निरोध आर्य सत्य में, और दुख के निरोध की ओर जाने वाली जो
जो प्रतिपदा है, जो मार्ग है, उस आर्य सत्य में, इन चार आर्य सत्यों में बाकी सारे के सारे जो कुशल धर्म है वो समा जाते हैं। अब इन चार आर्य सत्यों का विस्तार से वर्णन आगे सारिपुत्र करते हैं। दुखं आर्य सच्चं, दुख आर्य सत्य क्या है? कतमंच आवसो दुखं आर्य सच्चं, क्या है मित्रों दुख नाम का आर्य सत्य? जाति पि दुखा, जन्म ना ही दुख है, जरा पि दुखा, बुढ़ापा भी दुख है, मरणम भी दुखम, मरना भी दुख है, संखितेन पंच उपादान खंधा दुखा। संक्षेप में कहे तो ये जो पांच स्कंध है, पांच स्कंध कौन कौन से हैं? जो हमारा शरीर है उसे रूप स्कंध कहा गया, और फिर मन का महसूस करने वाला हिस्सा जो भावनाओं को महसूस करता है उसे वेदना कहा गया, फिर उन वेदनाओं का जो मूल्यांकन करता है उसे संज्ञा कहा गया, उस पर जो प्रतिकार करता है उसे संस्कार कहा गया, और इन सब को जो जानता है उसे विज्ञान कहा गया। तो इनके प्रति जो मैं मेरे का भाव है, चिपकाव है, उपादान उसे कहा जाता है। ये जो पांच स्कंधों के प्रति जो उपादान है उसे ही दुख कहा गया है। कतमे च आउसो पंच उपादान खंधा, तो कौन कौन से है ये पांच उपादान स्कंध? सेयथिदम, जैसे कि ये रूप उपादान खंधो, रूप के प्रति जो मैं मेरे का भाव है वो स्कंध। वेदन उपादान उपादान खंधो, वेदना के प्रति जो मैं मेरे का भाव है वो स्कंध। संयुपादान खंधो, संज्ञा के प्रति जो मैं मेरे का भाव है वो स्कंध। संखार उपादान खंधो, संखारों के प्रति जो मैं मेरे का भाव है वो स्कंध। विज्ञान उपादान खंधो, और विज्ञान के प्रति जो मैं मेरे का भाव है ऐसा वाला विज्ञान स्कंध। कतमे च आउसो रूप उपादान खंधो, और अब ये जो पांच स्कंध बताए गए, एक रूप हो गया, एक दूसरी वेदना हो गई, तीसरा संस्कार हो गया, तीसरा संज्ञा हो गया, चौथा संस्कार हो गया, और पांचवा विज्ञान हो गया। तो इनमें से एक एक स्कंध को अभी तोड़ तोड़ के सारिपुत्र बता रहे हैं। कतमे च आउसो रूप उपादान खंधो, ये शरीर क्या है? हमारा जो शरीर है वो है क्या? तो उसके बारे में कहा गया, चत्तारी च महाभूतानि, ये जो चार महाभूत है, चतुर्नं च महाभूतानं उपादाय रूपम, ये चार महाभूतों के प्रति मैं मेरे का भाव होता है उसकी वजह से शरीर बनता है। कतमे च आवसो चत्तारो महाभूता, कौन से है भिक्षुओं मित्रों चार महाभूत? पृथ्वी धातु, ये पृथ्वी धातु, आपो धातु जल धातु, तेजो धातु अग्नि धातु, वायो धातु वायु धातु। अब फिर इन चार महाभूतों को भी एक एक करके विस्तार से बताया जाएगा। कतमा च आउसो पृथ्वी धातु, क्या है मित्रों पृथ्वी धातु? पृथ्वी धातु सिया अज्जति का, सिया बाहिरा, जो हमारे अंदर पृथ्वी धातु है वो भी पृथ्वी धातु है, और हमारे शरीर के बाहर जो पृथ्वी धातु है वो भी पृथ्वी धातु है। कतमाच आउसा अज्जतिका पृथ्वी धातु, तो क्या है मित्रों अंदर की पृथ्वी धातु? यं अज्जतं पच्चतं कक्खड़ं खरिगतं उपादिनं सेयथिदं, हमारे अंदर जो भी कर्कश, खर, कठोर, ठोस पदार्थ है उसी को पृथ्वी धातु कहा गया है। सेयथिदं, जैसे कि इसमें केसा, केश है, बाल, लोमा जो शरीर के बाल होते हैं,
उसे लोम कहा गया। नखा नख नाखून, दंता दांत, त्वचो चमड़ी, मंसम मांस, नारू जो हमारे नर्व्स है उसे नारू कहा गया। अट्ठी मतलब हड्डियां, अट्ठी मींजा हड्डी में जो मगज होता है उसे अस्थि मज्जा कहा गया। वक्कंग किडनीज मूत्रपिंड, हृदयंग हृदय दिल हार्ट, यकनंग यकृत, किलोमकम क्लोम, पीहकम प्लीहा, कक्खड़म ये जो हमारे फेफड़े हैं उसे कक्खड़ कहा गया। सॉरी पफासम, पफासम मतलब फेफड़े। अंतंग जो हमारे इंटेस्टाइन्स है आंतड़े बोलते हैं उसे आंत्र। अंतगुणम छोटे आंतड़े और बड़े आंतड़े दोनों। उदरीयम जो हमारा स्टमक है जठर। करीसंग जो इसमें हमारे पेट में अग्नि है। यौवा पनयंग पिकिंची अच्छतंग पच्चतंग, मैल जो है पेट में अग्नि से बना वाला। पच्चतंग कखड़ंग खरीगतंग उपादिन जो भी कर्कश कठोर और ठोस पदार्थ है या घनीभूत पदार्थ है उसे ही पठवी धातु कहा गया। अयम उच्चतावसो अज्जतिका पठवी धातु। इस तरह मित्रों इसे अंदर का पृथ्वी धातु कहा गया। चेवखोपन अज्जतिका पठवी धातु, याच बाहिरा पठवी धातु, पठवी धातु रेवेसा। चाहे अंदर वाली पृथ्वी धातु हो या चाहे बाहर वाली पृथ्वी धातु हो दोनों को ही पृथ्वी धातु कहा गया है। तम नेतम मम ये मेरी नहीं है, नेसोहम अस्मि ये मैं नहीं हूँ, न मेसो अत्ता ये मेरा अपनापा नहीं, ये मेरा सेल्फ नहीं है, ये मेरी आत्मा नहीं है। एवं यथाभूतं सम्पन्याय दठ्ठभम, इस प्रकार सही प्रज्ञा से इसे देखा जाए। एवमेतं यथाभूतं सम्पन्याय दिश्वा पठवी धातु या निबिन्दति, इस प्रकार जैसी है वैसे सम्यक प्रज्ञा से जब इस पृथ्वी धातु को देखा जाए तो इस पृथ्वी धातु के प्रति निर्वेद पैदा होता है, मतलब उसमें रुचि नहीं रहती। पठवी धातु या चित्तं विराजेति, और उसके प्रति जो आसक्ति है चित्त में वो नष्ट हो जाती है, वैराग्य पैदा हो जाता है। होति खोसो आउसो समयो यम बाहिरा आपो धाति पकुपति। और सचमुच कभी कभी मित्रों बाहर की जो जल धाती है जल धातु है उसका प्रकोप हो जाता है। अंतरहिता तस्मिन् समये बाहिरा पठवी धातु होती, और उस समय बाहर की जो पृथ्वी धातु होती है दुनिया की वो पानी की वजह से लुप्त हो जाती है। तस्सा ही नाम आउसो बाहिराय पठवी धातु या ताव महल्लिकाय अनिच्छता पहिया इस्सति। जब उतनी विशाल पृथ्वी धातु की अनित्यता क्षय धर्मता नाश धर्मता क्षय धम्मता पन्या इस्सति, वय धम्मता पन्या इस्सति, विपरिणाम धम्मता पन्या इस्सति, इस प्रकार उसका क्षय धर्म उसका वय धर्म उसका बदलने का धर्म पन्या रूप से प्रज्ञा रूप से देखा जा सकता है। किंपनी मस्स मत्तठक्कस कायस तणुपादिनस अहंती वा ममंती वा अस्मिती वा। तो क्या है कि हमारे अंदर जो पृथ्वी धातु है उसे मैं हूं या मेरी आत्मा है या मेरी है कैसे कहा जा सकता है। अतख्वासनो तेवेत्थ होती, अर्थात इसमें कोई नित्यता नहीं है। तंचे आउसो भिक्खुं परे अक्को संती परिभासंती रोसेंती विहेसेंती। मित्रों तब कभी उस भिक्षु को दूसरे लोक चेष्टा से मजाक
में उल्टा सीधा बोलते हैं या क्रोध करते हैं, अनादर करते हैं, तब वह समझता है। उपन्नाखों में अयं सोत संफस्सजा दुख वेदना। जब कोई हमें गाली देता है या हमारा मजाक उड़ाता है, तो वह भिक्षु सोचता है कि ये जो दुख वेदना उत्पन्न हुई है, वो मुझ में कान से जो स्पर्श हुआ है उससे उत्पन्न हुई है। साच खो पटिच्छ नो अपटिच्छ, वह किसी कारण से उत्पन्न हुई है, बिना कारण नहीं। किम पटिच्छ, क्या कारण है। फस्सम पटिच्छ, ये जो कान और शब्द का संयोग हुआ और उसके साथ विज्ञान का संयोग हुआ, टिंडन संगति फस्सो, यह स्पर्श जो हुआ, कान शब्द और कान का विज्ञान, इन तीनों का जो स्पर्श हुआ, उसकी वजह से यह दुख वेदना उत्पन्न हुई है। सो फसो अनुच्छो ती पस्सती, तो यह स्पर्श भी अनित्य है, ऐसे देखता है। वेदना अनिच्छा ती पस्सती, वेदना अनित्य है, उसकी वजह से उत्पन्न हुई, ये भी देखता है। संज्ञा अनिच्छा ती पस्सती, उसका जो मूल्यांकन हमने किया कि यह दुख की वेदना है, वह संज्ञा भी अनित्य है। संखारा अनिच्छाति पैसति, और उस पर जो प्रतिक्रिया मन कर रहा है वो संस्कार भी अनित्य है। विज्ञानं अनिच्छन्ति पैसति, और जो विज्ञान उत्पन्न होता है इस स्पर्श के साथ, कान है और कान का विषय शब्द, ये दोनों साथ जुड़े तभी विज्ञान उत्पन्न होगा और तभी स्पर्श होगा। तो यह जो विज्ञान है वह भी अनित्य है, क्योंकि अगर कान और शब्द का संयोग नहीं होगा तो कान का विज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए विज्ञान भी अनित्य है। विज्ञानं अनिच्छन्ति पश्यति, तस्सधातारम्भणमेव चित्तं पखंदति पसीदति संतिष्ठति अधिमुच्यति। इस प्रकार, इस तरह उस भिक्षु का धातुओं को आलंबन मानने वाला चित्त निर्मल हो जाता है, और एवं उक्त धातु के आलंबन से वह मुक्त हो जाता है, मतलब पृथ्वी धातु के प्रति अब उसे पूरी तरह वैराग्य प्राप्त हो गया, निर्वेद प्राप्त हो गया और वैराग्य प्राप्त हो गया। तंचे आउसो भिक्खुं परे अनिठे ही अकंते ही अनापे ही समुदा चरंती। आयुष्मानो मित्रों, यदि उस भिक्षु को दूसरे लोग अगर उसका अनिष्ट करने लगे, बुरा करने लगने वाला अप्रिय व्यवहार करने लगे, तो पाणी संफस्सेन, उसे कोई हाथ से मारता है, फिर लेड्डू संफस्सेन, उसे कोई कंकर पत्थर से मारता है, फिर दंड संफस्सेन, उसे कोई दंड से मारता है, कि पी संत संफस्सेन पी, कोई से कोई शस्त्र से मारता है। सो एवं पजानाति, उस समय वह भिक्षु इस प्रकार से विचार करता है। तथा भूतो खो अयम कायो यथा भूतस्मिम काये पाणि संफस्सापि कम्बन्ति, लेड्डु संफस्सापि कम्बन्ति, दंड संफस्सापि कम्बन्ति, सत्त संफस्सापि कम्बन्ति। अब ये जो लोग है जिस पर मुझे मेरी काया को हाथ से मारा जा रहा है, किसी मिट्टी के ढेले से मारा जा रहा है, दंड से मारा जा रहा है, शस्त्र से मारा जा रहा है, यह काया ही ऐसी है कि इसे मारा जा सकता है। उत्तंखोपनेतम भगवता ककचुपमो वादे, और जैसे ककचुपम सुत्त में भगवान ने कहा था, उभतो दंडकेन चेपी, कि जैसे कोई दो मूठ वाले आरे से ककचे न चोरा ओचर का अंग मंगानी ओकंते यू, अंग अंग को कोई काट दे, कोई चोर चोर या लुटेरा, तत्रापि यो मनो पदुस्से न में सो तेन शासन करोति, और उसके प्रति मन में कोई द्वेष भाव जागे, तो फिर भगवान बुद्ध की शिक्षा का पालन नहीं हो रहा है।
आरब्धंखोपनमे वीर्यं भविष्यति असल्लीनं। तो मुझे अभी पराक्रम आरूढ़ होना चाहिए, किसी प्रकार का विकार मेरे मन में नहीं जागना चाहिए, मेरा उद्योग चलता रहेगा। उपट्ठिता सती असम्मुट्ठा, विस्मरण हो रही जो स्मृति थी उसे फिर से उपस्थित करना चाहिए सती को अपने ध्यान के आलंबन के प्रति। असद्धो कायो असारद्धो, मेरी काया स्थिर और अचंचल रहेगी। समाहितं चित्तं एकाग्रं, और चित्त समाहित और एकाग्र रहेगा। कामंदानी इमस्मिं काये, पाणि संफस्सापि कमन्तु, लेड्डु संफस्सापि कमन्तु, दंड संफस्सापि कमन्तु, सत्थ संफस्सापि कमन्तु, करियति हितं बुद्धानं शासनं। चाहे लोग मेरे इस शरीर पर हाथ से, ढेले से, डंडे से, शस्त्र से ही प्रहार क्यों न करें, क्योंकि किंतु बुद्ध की शिक्षा को तो पूरा करना ही होगा, उस रास्ते को छोड़ा नहीं जा सकता है। तस्सचे आउसो भिक्खुनो एवं बुद्धं अनुसरतो, एवं धम्मं अनुसरतो, एवं संघं अनुसरतो, उपेक्षा कुशल निश्चिता न संठाति। इस प्रकार उस भिक्षु को बुद्ध का स्मरण करते हुए भी, धर्म का स्मरण करते हुए भी, संघ का स्मरण करते हुए भी, उपेक्षा कुशल संपर्क युक्त, कुशल धर्मों से युक्त निर्मल उपेक्षा जब नहीं ठहरती, उसके मन में उपेक्षा नहीं पैदा होती, तो वह तो सोते न संविज्जति संवेगं आपज्जति। तो उसके मन में संवेग पैदा होता है, अलाभा वतमे न वतमे लाभा, ओहो मेरी तो बहुत हानि हो रही है। दुर्लद्धं वतमे न वतमे सुलद्धं, जो सहजता से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यस समय एवं बुद्धं अनुसरतो, बुद्ध धर्म और संघ का स्मरण करते हुए भी, धम्मम अनुसरतो संघ अनुसरतो, उपेक्षा कुशल निश्चिता न संठा थी। उपेक्षा जो है कुशल धर्मों से उत्पन्न उपेक्षा स्थिर नहीं हो पा रही है। सेय्यथापि आउसो सुनिसा ससुरं दिस्वा संविज्जति संवेगं आपज्जति। अब देखो, जैसे मित्रों सुनिसा बहू को कहा गया है, सुनिसा मराठी में भी बहू को सून कहते हैं, पर पाली में भी यहाँ सुनिसा कहा गया है। ससुरं दिस्वा, जैसे कोई बहू ससुर को देख के संविज्जति संवेगं आपज्जति, संकोच करती है, उद्विग्न हो उठती है, उसी तरह एवमेको आउसो मित्रो तस्सचे भिक्खुनो एवं बुद्धं अनुसरतो एवं धम्मं अनुसरतो एवं संघं अनुसरतो, उपेक्षा कुशल निश्चिता न संठाति। और जब बुद्ध धर्म और संघ का अनुस्मरण करते हुए भी कुशल उपेक्षा टिकती नहीं है, तो उसमें एक संवेग उत्पन्न हो जाता है। सो तेनं संविज्जति संवेगं अपज्जति, अलाभा वतमे न वतमे लाभा, दुर्लद्धं वतमे न वतमे सुलद्धं, यस्समे एवं बुद्धं अनुसरतो एवं धम्मो अनुसरतो एवं संघं अनुसरतो, उपेक्षा कुशल निश्चिता न संठाति। बुद्ध धर्म और संघ का अनुस्मरण करते हुए भी जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जो सुलभ मिलना चाहिए वो सुलभता से नहीं मिल रहा है, और उपेक्षा कुशल धर्मों के साथ नहीं ठहर रही है। तो फिर तस्सचे आउसो भिक्खुनो एवं बुद्धं अनुसरतो एवं धम्मं अनुसरतो एवं संघं अनुसरतो, उपेक्षा कुशल निश्चिता संठाति, सो तेन अत्तमनो होती। और तब ऐसा संवेग जागने से वो ठीक तरीके से प्रयत्न करता है, और फिर बुद्ध धर्म और संघ का अनुसरण करते हुए जो उपेक्षा है वो कुशल धर्मों के साथ स्थिर हो जाती है, तो वह प्रसन्न हो जाता है। एतावता पिखो आउसो भिक्खुनो बहुकतं होती। आयुष्मानो, इतने से भी उस भिक्षु ने
बहुत कुछ कर लिया होता है। जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं और मन एक जगह पे नहीं ठहरता, तो हो सकता है कि हमारा जोर कम पड़ रहा हो। धर्म ऐसी चीज है, इसमें बार बार हमें देखना पड़ता है कि हम कहीं ज्यादा जोर तो नहीं लगा रहे या कहीं कम जोर तो नहीं लगा रहे। तो ठीक से जोर लगाने से फिर उपेक्षा उत्पन्न हो जाती है। और सारिपुत्र कहते हैं कि मित्रों, इतने से भी उस भिक्षु ने बहुत कुछ कर लिया होता है। आगे सारिपुत्र अब पृथ्वी धातु का वर्णन समाप्त हो गया, अब जल धातु के बारे में कहते हैं। कतमाच आउसो आपो धातु क्या होती है मित्रों? जल धातु आपो धातु सिया अज्जतिका सिया बाहिरा, दो प्रकार की जल धातु है, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। कतमाच आउसो अज्जतिका आपो धातु क्या है मित्रों? अंदर वाली जल धातु यम अच्छत्तं पच्चत्तं आपो अपोगतं उपादिन्नं सेयथिदं, अंदर जो भी जल है और जो भी द्रव पदार्थ है या उसके जैसा है, सेयथिदं जैसे कि पित्तं पित्त सेमं श्लेष्मा कफ, मराठी में शेम्बूर जिसे कहते हैं, पुब्बो मवात पू, मराठी में पू कहते हैं, लोहितम यानी कि रक्त, सेदो स्वेद पसीना, मेदो चर्बी, अस्सु मतलब आंसू, वसा वसा मतलब जिसे तो चर्बी का एक प्रकार है, खेड़ो खंखार, सिंघानिका नाक से निकलने वाला मैल, जो पहले सेमम कहा गया वो अंदर वाला कफ है और अब ये सिंघानिका कहा गया वो शेमबूट नाक से निकलने वाला, लसिका लिम्फ फ्लूइड, मुत्तंग मूत्र, यमवा पन्नयम पी किंची, और इसके तरह ही ऐसा कुछ जो भी द्रव पदार्थ होगा। अच्छत्तंग पच्चत्तंग जो अंदर है, आपो आपो गतंग उपादिन्नम जल है द्रव है या द्रव के जैसा है, अयम उच्चत आउसो अच्छत्तिका आपो धातु, इसी कहा गया मित्रों अंदर वाली जल धातु। या चेव खोपन अच्छत्तिका आपो धातु या च बाहिरा आपो धातु रे वेसा, अंदर वाली जल धातु हो या बाहर वाली जल धातु हो वो एक जैसी ही है, इसे जल धातु ही कहा जाता है, दोनों ही जल धातु है। तन्नेतम मम ए मेरी नहीं है, नेसोहम अस्मि ए मैं नहीं हूं, न मेसो अत्ता ये मेरी आत्मा नहीं है, मेरा अपनापन नहीं है, मेरा सेल्फ नहीं है। ती एवमेतम यथाभूतं सम्यपज्ञायदठभ्यम, इस प्रकार जैसी है वैसे सम्यक प्रज्ञा से उसे कोई भिक्षु देखता है। एवमेवेतं यथाभूतं सम्यपज्ञाय दिस्वा आपो धातु या निबिंदति, इस प्रकार जैसी है वैसे सम्यक प्रज्ञा से देखने के बाद जल धातु के प्रति जो रुचि है वो नष्ट हो जाती है, निर्वेद उत्पन्न हो जाता है। आपो धातु या चित्तं विराजेति, और जल धातु के प्रति चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। होति खोसो आउसो समयोयम बाहिरा आपो धातु पकोपति, और कभी कभी क्या होता है सचमुच किसी किसी समय पर जो बाहर वाली जल धातु है उसका प्रकोप हो जाता है। सा गामम पी वहति, उसमें गांव बह जाते हैं। अभी जो चल रही है बारिश हम देख रहे हैं उसी का वर्णन है। निगमम पी वहती, बड़े बड़े शहर बह जाते हैं। नगरम पी वहती, उससे भी बड़े शहर बह जाते हैं। जनपदम पी वहती, जिले बह जाते हैं। जनपदेशम पी वहती, कई कई जिले बह जाते हैं, प्रदेश बह जाते हैं। होति खोसो आउसो समयोयम महासमुद्दे योजन सदिकानी पी उदकानी, जब महासमुद्रों में 100 योजन 200 योजन ओगच्छन्ति, द्वियोजन सतिकानी पी उदकानी ओगच्छन्ति, तीयोजन सतिकानी पी उदकानी ओगच्छन्ति, चतुर्योजन सतिकानी पी
उदकानि ओगच्छन्ति, पञ्चयोजनशतिकानीपि उदकानि ओगच्छन्ति, छयोजनशतिकानीपि उदकानि ओगच्छन्ति, सप्तयोजनशतिकानीपि उदकानि ओगच्छन्ति। जब महासमुद्र में 100 योजन, 200 योजन, 300 योजन, 400 योजन, 500 योजन, 600 योजन या 700 योजन तक जल भर जाता है। होति खो सो भी आउ सो समयो एम महासमुद्रे सत्तालम्पि उदकं संठाति। आयुष्मानो, फिर वह समय भी आता है जब महासमुद्र में 7 ताल, मतलब जैसे कोई ताड़ का वृक्ष हो और वैसे एक पर एक रख दिया जाए तो उतना जल उसमें होता है महासमुद्र में। छत्तालम्पी उदकं संठाति, फिर कभी कम होता है, 6 6 ताल होता है। पंचतालम्पी उदकं संठाति, फिर 5 ताल वृक्ष की ऊंचाई का जल होता है। चतुतालम्पी उदकं संठाति, फिर कम होता है, 4 ताल वृक्षों की ऊंचाई का जल ही अब उसमें रहता है। तीतालम्पी उदकं संठाति, फिर महासमुद्र का पानी समय पा करके और कम होता है और 3 ही ताल वृक्षों की ऊंचाई तक वो रहता है। द्वितालम्पी उदकं संठाति, फिर 2 ताल वृक्षों की ऊंचाई तक। तालमत्तम्पी उदकं संठाति, फिर 1 ही ताल वृक्ष की ऊंचाई तक का जल उसमें रहता है। होति घोषो आउ सो समयो यम महासमुद्रे सत्तपरीसं भी उदकं संठाति, और फिर कम हो जाता है। और 7 बरस जिसे बोलते हैं, किसी एक पुरुष की जो सामान्य ऊंचाई होती है उसे कहा जाता है 1 बरस। और अब 7 बरस का उदक उसमें बच जाता है, ताल से भी वो कम है, 1 ताल से भी। छपोरिसंपी उदकम संठाति, और कम हो जाता है, केवल 6 पुरिस ऊंची का ही जल महासमुद्र में रहता है। पंचपोरिसंपी उदकम संठाति, फिर केवल 5 पुरुष ऊंची का ही जल महासमुद्र में रहता है। उसके बाद चतुपोरिसंपी उदकम संठाति, केवल 4 पुरुष ऊंची का ही जल रह जाता है। ती पोरसंपी उदकम संठाति, फिर 3 पुरुष ऊंची का ही ऊंचाई का ही जल महासमुद्र में रह जाता है और कम होता है। द्विपोरिसंपी उदकं संठाति, केवल 2 आदमी एक दूसरे के ऊपर खड़े हो उतनी ही ऊंचाई का जल सागर में रह जाता है। ओरिसमत्तम्पी उदकं संठाति, फिर बाद में और कम हो करके एक ही आदमी की ऊंचाई का जल सागर में रह जाता है। होति को सो आउ सो समयो, और ऐसा भी समय आता है यह महासमुद्रे की इस महासमुद्र में अड्ढपोरिसंपि उदकं संठाति, केवल पुरुष की ऊंचाई के आधे तक ही जल रह जाता है। कटिमत्तम्पि उदकं संठाति, केवल कमर के पानी इतना ही जल रह जाता है। जाणुकमत्तम्पि उदकं संठाति, घुटने तक ही जल रह जाता है। गोफक्कमन्तम्पि उदकं संठाति, और जो हमारा घुटना है, घुटने के नीचे जो पांव है, पांव के नीचे पास जो टहनिया है, टखनिया है, उस टखना डूबने पर का ही जल रह जाता है। और फिर होति खो सो आउ सो समयो यम महासमुद्रे अंगुली पब्बते मनम तम्पी उदकन न होती, और फिर कम होते होते हमारी जो अंगुलियां है पाँव की वो भी न डूबे, इतना भी जल उसमें नहीं रह जाता। तस्साहि नाम आवसो बाहिराय आपो धातुया ताव महल्लिकाय अनिच्छता पय्या इस्सति। इस प्रकार मित्रों, बाहर के जल धातु को भी, जो बहुत बड़ी थी, उसकी भी अनित्यता को प्रज्ञापूर्वक देखा जा सकता है। क्षय धम्मता पय्या इस्सति, उसके क्षय धर्म को प्रज्ञापूर्वक देखा जा सकता है। वय धम्मता पय्या इस्सति, उसके वय धर्म को, नष्ट होने वाले धर्म को प्रज्ञापूर्वक देखा जा सकता है। विपरिणाम धम्मता पय्या इस्सति, उसके बदलने को प्रज्ञापूर्वक देखा जा सकता है। बाहर का इतना बड़ा जल, इतना बड़ा महासमुद्र, उसका जल अगर खत्म हो सकता है तो किम्पन्निमस्समत्तट्ठक्कस्सकायस्स
तणुपादि नस, तो फिर इस शरीर के अंदर जो जल धातु है उसका क्या? अहंती वा ममंती वा अस्मीति, ये कैसे मैं हो सकती है, ये कैसे मेरी हो सकती है, और ये कैसे मेरी अपनापा मेरी आत्मा हो सकती है? अथक्वासनो तेवेत्थ होती, सचमुच में ये मैं मेरी मेरी आत्मा नहीं है। तस्सचे आउसो भिक्खुनो एवं बुद्धं अनुसरतो एवं धम्मं अनुसरतो एवं संघं अनुसरतो उपेक्षा कुल कुशल निश्चिता संठाति। और इस प्रकार पहले जैसा ही बुद्ध का अनुस्मरण करते हुए, धर्म का अनुस्मरण करते हुए और संघ का अनुस्मरण करते हुए, उसमें उपेक्षा कुशल धर्मों के साथ स्पष्ट हो स्थित हो जाती है। पहले पहले तो नहीं होती, फिर वो सोचता है कि क्यों नहीं हो रही है, और फिर ठीक से जो प्रयत्न करता है तो फिर हो जाती है। सोते न अत्तमनो होती, तो अगर उपेक्षा स्थिर हो जाती है तो वो प्रसन्न हो जाता है। एतावता भिक्खो आउसो भिक्खुनो बहुकतंग होती, इतना भी किसी भिक्षु ने कर लिया कि उपेक्षा को अपने ध्यान में स्थिर कर लिया। और कैसे करना है? जैसे ही कोई शब्द कान में आता है, या रूप आंखों से दिखाई देता है, या जीभा से कोई रस टकराता है, या काया से कोई स्पर्श टकराता है, या मन से कोई विचार टकराता है, तो उसके साथ उस इंद्रिय का विज्ञान पैदा होता है। और जब विज्ञान इंद्रिय और विषय तीनों मिल जाते हैं तो तीनन संगति फसो, तीनों के संगम को स्पर्श कहा गया। और उस स्पर्श की वजह से वेदना, एक फीलिंग, एक भाव हमारे मन में पैदा होता है, और फिर उस वेदना को हम मैं समझ के उसके बारे में विचार करने लगते हैं, उसे ही उपादान कहा गया। तो जब वेदना जागती है और उपादान जागता है, और हमें पता चलता है कि हम हमारे मन में वेदना जाग गई, उपादान जाग गया, या फिर आगे जाके उस पर प्रतिक्रिया होने लगी, भाव जाग गया, तो इन सारी चीजों को जानो कि ऐसा हो रहा है, और फिर मन को इन चीजों से दूर हटा दो, और फिर सिर में देखो कहीं तनाव या खिंचाव तो उत्पन्न नहीं हुआ है। सिर के उस तनाव खिंचाव को ढीला कर दो, और मुस्कुराते हुए फिर से ध्यान के आलंबन के प्रति वापस आ जाओ। तो धीरे धीरे मन की जो समता है, उपेक्षा भाव है, वो बढ़ने लगेगा। और जब उपेक्षा भाव मन में स्थिर हो जाएगा तो इतना भी कर लिया तो भगवान ने कहा कि उस भिक्षु ने बहुत कुछ कर लिया। यही सारिपुत्र भिक्षुओं को बता रहे हैं भगवान ने कहे वाली बात। फिर आगे जाकर अग्निधारा धातु के बारे में बात की गई। कतमाच आउसो तेजो धातु, क्या है मित्रों अग्नि धातु? तेजो धातु सिया अच्छत्तिका सिया बाहिरा। अग्नि धातु भी दो प्रकार की होती है, एक होती है अंदर वाली और एक होती है बाहर वाली। कतमाच आवसो अच्छत्तिका तेजो धातु, क्या है मित्रों अंदर वाली अग्नि धातु? यम अच्छत्तं पच्छत्तं तेजो तेजो गतं उपादिन्नं सेयत्थितं। अंदर जो भी आग है या आग जैसी कोई चीज है, जैसे कि एन च संतपति एन च जिरीयति एन च परिढ़यति एन च असित पीत खायित सायितं सम्मा परिणामं गच्छति यं वा पनन्यं पी किंची अच्छत्तं पच्छत्तं तेजो तेजो गतं उपादिन्नं अयं उच्चता उसो अज्झतिका तेजो धातु। प्रत्येक शरीर में रहने वाला अग्नि या अग्नि से उत्पन्न अग्नि वाली पदार्थ, जिस जो भी उसका तापमान होता है, जिस तापमान की वजह से अन्न जीर्ण होता है, या पेट में खाया पिया जिससे पचता है, या कोई अन्य ऐसा अग्निमय पदार्थ जो प्रत्येक शरीर में रहता है, उसे अग्नि धातु कहा गया है। तन्ने तम मम, ओ मेरी नहीं है, ने सोहमी अस्मि, वह अग्नि धातु मैं नहीं हूं।
न मेसो अत्ताती, वो मेरी आत्मा नहीं है, ऐसा ती एव मे तम यथाभूतं सम्मपय्याय दट्ठब्बं, इस प्रकार मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, इस प्रकार सम्यक प्रज्ञा से उसे कोई भिक्षु देखता है, एवमेतं यथाभूतं सम्मपय्याय दिस्वा तेजो धातु या निबिंदती, इस प्रकार जैसी है वैसे सम्यक प्रज्ञा से जब अग्नि धातु को देखा जाता है तो उसके प्रति जो रुचि होती है वो नष्ट होती है, उसे कहते हैं निबिंदती, निर्वेद पैदा हो गया। तेजो धातु या चित्तं विराजति, और उसके बाद उस अग्नि धातु के प्रति वैराग्य पैदा होता है। होति खोसो आवसो समयो यम बाहिरा तेजो धातु पकुपति, और सचमुच होता है मित्रों कि किसी समय जो अग्नि है, बाहर वाली अग्नि धातु, उसका प्रकोप हो जाता है। सा गामम पी दहती, वो गांव को जला देती है। निगम पी दहती, छोटे शहरों को जलाती है। नगरम पी दहती, किसी किसी बड़े शहर को भी जला देती है। जनपदम पी दहती, जिलों को जला देती है। जनपद पदे संपी दहती, राज्यों को जला देती है। सा हरितंतम वा पथंतम वा सेलंतम वा उदकंतम वा रमणीयम वा भूमि भागम आगम अनाहारा निपायती, और अंत में वह बड़े बड़े राजमार्गों पर, पहाड़ की चोटियों पर, समुद्र पर्यंत कुछ भी तृण आदि न पाकर स्वयं ही शांत हो जाती है। जब जलाने के लिए उसे कुछ नहीं रहता, समझो अग्नि को हमने जला दिया, किसी लकड़ी को लेकर अग्नि उसमें पैदा करती, तब जब लकड़ी पूरी जल जाती है तो फिर अग्नि उसमें ठहर नहीं सकती, अग्नि भी अपने आप में शांत हो जाती है। होती खोसो आउसो समयोयम कुक्कुट पत्ते ननी नारुद्दूले नपि अग्निं गवे संति। तब एक समय ऐसा आ जाता है कि लोग इस अग्नि को मुर्गी के पंख जितना या त्वचा के छिलके जितना सा पाने के लिए भी तरस उठते हैं। तस्सा ही नाम आवसो बाहिराय तेजो धातु या ताव महल्लिकाय अनिच्छता पय्याइस्सति, क्षयधम्मता पय्याइस्सति, वयधम्मता पय्याइस्सति, विपरिणामधम्मता पय्याइस्सति। तो इतनी जो महान अग्नि धातु जो हर जगह दिखाई देती है, और एक समय ऐसा भी आता है कि वह भी नष्ट हो सकती है, तो इतनी बड़ी अग्नि धातु की अनित्यता देखी जा सकती है, उसकी क्षय धर्मता देखी जा सकती है, उसका नष्ट होना, उसका बदलना देखा जा सकता है। किम पन्निमस्स मत्तट्ठकस्स कायस्स तणुपादिनस्स, तो इसके अंदर जो शरीर के अंदर जो अग्नि धातु है वो तो अनित्य होगी ही, जब बाहर वाली है तो अंदर वाली का कहना ही क्या, बाहर वाली इतनी बड़ी थी, अंदर वाली तो बहुत छोटी है। अहंती वा ममंती वा अस्मीती वा, तो क्या उसे हम मैं कह सकते हैं, मेरी कह सकते हैं, मेरी अपनी कह सकते हैं, अथक्वा सुनो ते वेत्थ होती, नहीं कह सकते भाई। तस्सचे आउसो भिक्खुनो एवं बुद्धं अनुस्सरतो एवं धम्मं अनुस्सरतो एवं संघं अनुस्सरतो उपेक्षा कुशल निश्चिता संठाति सो तेन अत्तमनो होती, इस प्रकार विचार करते करते कि जो अग्नि धातु अंदर है वो भी मैं नहीं, मेरी नहीं, मेरी आत्मा नहीं, ऐसा उसे देखते हुए भिक्षु का मन जो है समता में प्रस्थापित होता है और प्रसन्न होता है। इत्तावता भिखो आउसो भिक्खुनो बहुकतम होती, इतना भी कर लिया मित्रों भिक्षु ने, तो उस भिक्षु ने बहुत कुछ कर लिया इस अध्यात्म के मार्ग में, ऐसा समझो। इसके आगे कहा गया कतमाच आउसो वायु धातु, और क्या है मित्रों वायु धातु, वायो धातु सिया अच्छतिका सिया बाहिरा, हमारे शरीर के अंदर भी वायु धातु है और बाहर भी वायु धातु है।
आवसो अज्जति का वायु धातु। तो क्या है अंदर वाली वायु धातु? यम अच्छतम पच्चतम वायो वायो गतम उपाधिनम। हमारे शरीर के अंदर जो भी हवा है या हवा के जैसा और भी कुछ वायु है वो सब सेयथितम उद्धंगमावाता अधोगमावाता। ऊपर जाने वाली वात, नीचे से निकलने वाली वात, कुच्छिशयावाता कुक्षी वाली वात, कोट्ठाशयावाता जो कोष्ठ है आंतड़े है उसमें रहने वाली वात, अंगमंगानुसारिणो वाता या अंग प्रत्यंग में रहने वाली वात, अस्सासो पस्सासो इति आश्वास और प्रश्वास। हमारी सांस ये भी एक वायु है। इति यम वा पन्नय पई किंची, इस तरह की कोई भी चीज, अच्छतम पच्चतम जो अंदर है, वायो वायो गतम उपादिनम हवा हो या हवा की जैसी कोई चीज, अयम उच्चतावसो अज्जत्तिका वायु धातु। जो भी शरीर के अंदर वायु की या वायु जैसी कोई चीज है उसे ही वायु धातु कहा गया है। या चेव खोपन अज्जत्तिका वायु धातु, या चो बाहिरा वायु धातु रे वैसा। अब जो ये वायु धातु है वो चाहे शरीर के अंदर वाली हो या शरीर के बाहर वाली, उसे वायु धातु ही कहा जाएगा। तम ने तम मम, वो मेरी नहीं है, ने सोहम अस्मि, वो मैं नहीं हूं, न मे सो अत्ताति, और वो मेरी अपनी नहीं है, मेरा आत्मा नहीं है, मेरा अपनापा नहीं है, मेरा सेल्फ नहीं है। ती एव मे तं यथाभूतं सम्मपय्याय दट्ठब्बम्। और इस प्रकार जैसी है वैसे सम्यक प्रज्ञा से उसे जानता है। एव मे तं यथाभूतं सम्मपय्याय दिस्वा वायो धातु या निबिंदती। इस प्रकार जैसी है वैसे सम्यक प्रज्ञा से देखने से वायु धातु के प्रति मन में निर्वेद पैदा हो जाता है, उसमें कोई अब रुचि नहीं रहती। वायु धातु या चित्तम विराजेति, और चित्त में एक प्रकार का वैराग्य उस वायु धातु के प्रति पैदा हो जाता है। होती खोसो आउसो समयोयम बाहिरा वायु धातु पकुपति। समय पाकर पे जो बाहर वाली वायु धातु है उसका भी कभी कभी प्रकोप हो जाता है। सा गामम पी वहती, गांव के गांव उस वायु धातु के प्रकोप से बह जाते हैं। निगमम पी वहती, छोटे जो तालुके वाले शहर होते हैं वो उजड़ जाते हैं। नगरम पी वहती, बड़े शहर होते हैं वो भी बिखर जाते हैं। जनपदम ची वहती, कभी कभी वायु धातु का इतना प्रकोप होता है कि जिले के जिले उसमें बह जाते हैं। जनपद पदे संपी वहती, और जिलों से जो प्रदेश बनते हैं वह भी बह जाते हैं। होती खोसो आउसो समय यम गिमानम पश्चिमे बांसे तालवंटे नपी विधुपने नपी वातम परिये संति उत्सवने पी तिनानी न इज्जंती। तो क्या कहें मित्रों, फिर वह समय भी आ पहुंचता है जब ग्रीष्म ऋतु में उसके दूसरे मतलब अंतिम महीने में लोग पंखे की हवा के लिए भी तरस उठते हैं। तस्सा ही नाम आउसो बाहिराय वायो धातु या, मतलब हवा बिल्कुल ठहर जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है और हवा बिल्कुल नहीं चलती और लोग पंखे के लिए तरसते हैं, प्रयास करने पर भी पत्ते नहीं हिलते। तब मित्रों, ये जो बाहर की वायु धातु है इतनी महान होकर भी ताव महल्लिकाय अनिच्छता पन्याय सती, उसकी भी अनित्यता प्रज्ञा से हम देख सकते हैं। क्षय धम्मता पय्याय सती, उसकी भी क्षय धर्म को हम देख सकते हैं। वय धम्मता पय्याय सती, उसके नष्ट होने को हम देख सकते हैं। विपरिणाम धम्मता पय्याय सती, उस बहुत बड़े बाहरी वायु धातु के बदलने को हम देख सकते हैं। किम पन्निमस्स मत्तठक्कस कायस्स तणु उपादिनस्स अहंती वा ममंती वा अस्मीती वा। फिर ये अंदर वाली वायु वो क्या चीज है? वो भी एक दिन नष्ट होगी, खत्म होगी, बदल जाएगी, तो उसे कैसे मैं कहेंगे, मेरा कहेंगे या मेरा अपना कहेंगे?
अथकवासनो तेवेत्थ होती। सचमुच उसे मैं मेरा नहीं कहा जा सकता। तंचे आउसो भिक्खुम परे अक्को संती। और फिर मित्रों, भिक्षु देखता है कि अगर बुद्ध धम्म और संघ का अनुस्मरण करके भी उसका मन समता में प्रतिष्ठापित नहीं हो रहा है, तो उसमें मन में संवेग जागता है और फिर वो प्रयत्न करता है और फिर बुद्ध धर्म और संघ का अनुसरण करते हुए फिर वह उपेक्षा में अपने चित्त में उपेक्षा को प्रतिष्ठापित करता है। भिक्खुनो एवं बुद्धं अनुसरतो एवं धम्मं अनुसरतो एवं संघं अनुसरतो उपेक्षा कुशल निश्चिता संठाति सो तेन अत्तमनो होती। तो जो भी चीज मन में जाग रही है उसको एक ओर रख के सिर के तान तनाव को ढीला करके मुस्कुराहट पर फिर ध्यान पर अलंब बना के ऐसा प्रयास करते करते उपेक्षा में चित्त प्रतिष्ठापित हो जाता है तो भिक्षु का मन प्रसन्न हो जाता है। एतावता पिखोब आउसो भिक्षुनो बहु कतंग होती। इतना ही अगर किसी भिक्षु ने कर लिया, समता में प्रतिष्ठापित हो गया, तो उस भिक्षु ने बहुत कुछ कर लिया। मित्रों से यथापि आउसो कठं च पटिच्च वल्लीं च पटिच्च तीर्णं च पटिच्च मत्तिकं च पटिच्च आकाशो परिवारी तो अगारम त्वेव संखम गच्छन्ति। आयुष्मानो जैसे यह आकाश है, उस शून्य आकाश में कोई लकड़ी बल्ली घास के टुकड़े और मिट्टी के सहारे कुछ बनाता है तो उसे घर कहा जाता है। एवमेव खो अवसो अठिंच पटिच्च नारुंच पटिच्च मांसं च पटिच्च धम्मं च पटिच्च आकाशो परिवारी तो रूपम तिवेव संखम गच्छति। वैसे ही भिक्षुओं, इस आकाश के खुले जगह में हम अस्थियों को खड़ा कर देते हैं, हमारे चेता तंतु है उन्हें खड़ा कर देते हैं, फिर मांस को खड़ा कर देते हैं और फिर मन के विचारों को उसके साथ जोड़ते हैं और फिर उसे हम कहते हैं कि यह रूप हो गया, यह हमारा शरीर हो गया। अच्छतिकम चेव आवसो चक्षु अपरिभिन्नं होती बाहिरा च रूपान आपाथम आगच्छन्ति। अगर हमारे आंखें जो है वह बिल्कुल निरोगी है, लेकिन जब तक बाहर से रूप उसके आके टकरा नहीं टकराता, नो चतज्जो समन्नाहारो होती और उसका संज्ञान नहीं लिया जाता, तो नैव तावत् तज्जस्य विज्ञान भागस्य पातु भावो होती। तो फिर उसका जो विज्ञान है, चक्षु विज्ञान, वो उत्पन्न नहीं होगा। अज्झत्तिकं चेव आउसो चक्षुं अपिरभिन्नं होती बाहिरा च रूपा अपाथं आगच्छन्ति नो च तज्जो समन्नाहोरो होती नैव ताव तज्जस्य विज्ञान भागस्य पातु भावो होती। वैसे ही जो अंदर वाली आंख है और फिर उसके सामने रूप आ गया और उसका संज्ञान ले लिया, तो फिर विज्ञान उत्पन्न हो सकता है। अज्झतिकं चैव चक्षुं अपरिभिन्नं होती बाहिरा च रूपा आपाथं आगच्छन्ति तज्जोच समन्नाहारो होती तज्जस्य विज्ञान भागस्य पातु भावो होती। अगर चक्षु और रूप दोनों का स्पर्श हो जाता है, उसका संज्ञान लिया जाता है, तो विज्ञान भी उत्पन्न होता है। यम तथा भूतस्य रूपम त रूप उपादान खंधे संगहं गच्छन्ति। इस प्रकार रूप इस उपादान खंध के प्रति हमें आसक्ति हो जाती है और इसे ही रूप उपादान खंड कहा जाता है।
या तथा भूतस्य वेदना सा वेदन उपादान खंधे संग्रहं गच्छन्ति। और फिर उससे जो वेदना जागती है उसे वेदना उपादान खंड कहा जाता है। या तथा भूतस्य संयासा संयुपादान खंधे संग्रह गच्छन्ति। फिर उसका जो मूल्यांकन होता है उसे संज्ञा उपादान स्कंद कहा जाता है। ए तथा भूतस्य संखाराते संखार उपादान खंधे संग्रहं गच्छन्ति। फिर उस संज्ञा उपादान स्कंध के ऊपर उसके कारण से संस्कार उपादान स्कंध भी पैदा होता है। यं तथा भूतस्य विज्ञान तंग विज्ञान उपादान खंधे संग्रहं गच्छन्ति। और इन सबको जो जानने का हिस्सा उत्पन्न होता है उसे विज्ञान उपादान स्कंध कहते हैं। इस प्रकार पहला स्कंध है, पहला आर्य सत्य है दुख, जिसमें पांच स्कंध बताए गए। रूप उपादान स्कंध, वेदना उपादान स्कंध, संज्ञा उपादान स्कंध, संखार उपादान स्कंध और विज्ञान उपादान स्कंध। इस प्रकार यह जो पांच उपादान स्कंध है वो दुख को ही पैदा करते हैं, क्योंकि वो हमेशा बदलने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। आगे कहा गया दुख समुदयो, दुख का सबसे नजदीकी कारण क्या है जो उसके साथ पैदा होता है। सो एवं पजानाति, तो प्रज्ञापूर्वक भिक्षु जानता है। एवं ही कीर इमे संपंचनं उपादान खंधानं संगहो सन्निपातो समवायो होती। इस तरह वह आर्य श्रावक जान लेता है इन पांचों उपादान स्कंधों का इकट्ठा होना, संग्रह सन्निपात ये समूह कैसे बनता है। उत्तंखोपनेतम भगवता, इसी संदर्भ में भगवान ने भी कहा है, यो पटिच्च समुपादं पश्यति सो धम्मं पश्यति, यो धम्मं पश्यति सो पटिच्च समुपादं पश्यति, ती पटिच्च समुपन्ना खोपनी में यदिदं पंच उपादान खंधा। तो ये जो दुख के उत्पन्न होने की कड़ियों की श्रृंखला है, कारणों की कड़ियों की, उसे ही पटिच्च समुपात कहा गया। जैसे इंद्रिय है और विषय है, उन दोनों का स्पर्श हो गया, उससे वेदना पैदा हुई, वेदना से उपादान पैदा हुआ, उपादान से भव पैदा हुआ और भव से फिर जाति जरा मरण दुख दोमनस्य उपायास सब कुछ पैदा हो जाता है। यह जो देखता है उसने धर्म को देख लिया, ऐसा भगवान ने कहा है। और जिसने धर्म को देख लिया उसने पटिच्च समुप्पाद को ही देख लिया, ऐसा भी भगवान कहते हैं। और इस पटिच्च समुप्पाद को हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि ये पंच उपादान खंड क्या है, ये पटिच्च समुप्पाद से ही उत्पन्न होते हैं। पटिच्च समुप्पाद में भी वेदना है, संज्ञा होती है तभी उपादान होता है, संस्कार होते हैं तभी भव होता है, और संस्कारों से ही विज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो यह सब जो पांच स्कंधों को देखना है, पांच उपादान स्कंध देखना है, उसे ही प्रतीत समुत्कात को देखना भी कहा जा सकता है। यो इमे सुपंचसु उपादान खंधेसु छंदो आलयो अनुनयो अज्जोसानं सो दुख समुदयो। यह जो पांच उपादान स्कंध है, एक है रूप है, दूसरा है वेदना, तीसरा है संज्ञा, चौथा है संस्कार और पांचवा है विज्ञान। उसमें अगर उपादान पैदा हो जाए, उसके प्रति चाहत पैदा हो जाए, उसके प्रति आसक्ति पैदा हो जाए, उसके प्रति लोभ लोभ पैदा हो जाए, तो अंदर दुख का ही समुदय होगा। यो इमेसु पंचसु उपादान खंधेसु छंद राग विनयो छंद राग पहान सो दुख निरोध होती। और इस रूप के प्रति, चित्त की वेदनाओं के प्रति, संज्ञा के प्रति, संस्कार के प्रति और विज्ञान के प्रति जब मैं मेरे का भाव नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, तो यो इमेसु पंचसु उपादान खंधेसु छंद राग विनयो छंद राग पहान सो दुख निरोध होती, उसे ही दुख निरोध कहते हैं। एतावत्ता पिखो आवसो भिक्खुनो बहु कतम होती। अगर इतना ही उस भिक्षु ने कर लिया तो बहुत कुछ कर लिया। अज्जति कंचे व आवसो,
सोतं अपिर भिन्नं होती, घानं अपिर भिन्नं होती, जीवा अपरिभिन्नं होती, कायो अपरिभिन्नो होती, मनो अपरिभिन्नो होती। जैसे चक्षु के बारे में बताया गया पहले, आंखों के बारे में, उसी तरह कान के बारे में, नाक के बारे में, जीभ के बारे में, त्वचा के बारे में और मन के बारे में भी कहा गया कि ये सब निरोगी होते हैं, फिर भी जब तक उनसे विषयों का स्पर्श नहीं टकराता तब तक उनका विज्ञान उत्पन्न नहीं होता, और जब विज्ञान उत्पन्न होता है तो स्पर्श उत्पन्न होता है, और स्पर्श से वेदना होती है, और वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है, और तृष्णा से उपादान उत्पन्न होता है, मैं मेरे का भाव इन चीजों के प्रति उत्पन्न होता है। और जो बाहर के धर्म है उससे संपृक्त नहीं हो पाते इन विषयों से, तब तक विज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता है। आयुष्मानो मित्रो, अज्झति कोचे आउसो मनो अपरिभिन्नो होती, बाहिरा च धम्मा अपाथ आगच्छन्ति, नो च तज्जो समन्नाहरो होती, नैव तावत् तज्जस्य विज्ञान भागस्य पातु भावो होती। अगर मन में विचार प्रकट नहीं होते तो मन के विज्ञान का, चित्त के विज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। यतो चखो आवसो अज्झति को चैव मनो अपरिभिन्नो होती, बाहिरा च धम्मा आपातम आगच्छति, तज्जो च समन्नाहरो होती, एवं तज्जस्य विज्ञान भागस्य पातु भावो होती। जब अंदर का मन अविकृत होता है और बाह्य धर्म उसके संपर्क में आते हैं तो उसके बारे में उसको विषय का ज्ञान हो जाता है, और इसलिए वह विज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। यम तथा